हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फटाफट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 9 का है, 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। ओके, तो उसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। ये मान चलिए स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर है टॉल, और ये पेडिस्टल के ऊपर है, मतलब ये उसका पेडिस्टल हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। तो ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड से स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना? 60 डिग्री। तो लिख देते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप ये होता है, इज 45। ये 45 है, तो यहाँ से ये 45 बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये हाइट क्या होगा ये निकालना है आपको। ओके, समझ में आ गया? तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये डी। सबसे पहले हम 10 45 का यूज करते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी क्या होगा? तो 10 45 इजकल टू दिस अपॉन दिस, मीन्स बी डी अपॉन ए बी। 10 45 का वैल्यू 1, 1 इजकल टू हो गया आपका बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इजकल टू हो जाएगा बी डी। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद 10 60, तो 10 60 शुरू करते हैं। 10 60 इजकल टू, 10 60 के लिए ये पूरा होगा, मीन्स दिस प्लस दिस, मीन्स आप कह सकते हैं सी डी प्लस बी डी। तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय ए बी। 1060 का वैल्यू रूट थ्री इजकल टू सी डी 1.6 रख देते हैं वैल्यू, प्लस बी डी हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी के बदले आप बी डी रख सकते हैं क्योंकि ए बी इजकल टू बी डी, तो हम यहाँ पर बी डी रख देते हैं। ओके, आगे करते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इंटू दिस सेम होगा, मीन्स कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, या फिर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है बी डी रूट थ्री। तो ये हो जाएगा आपका बी डी रूट थ्री इजकल टू दिस इंटू दिस इजकल टू सेम, मीन्स 1.6 प्लस बी डी, 1.6 प्लस बी डी। ठीक है, ओके। तो इसको मिटाते हैं, और आगे क्वेश्चन यहाँ से करते हैं। तो हमारे पास है बी डी रूट थ्री, तो ये हो गया बी डी रूट थ्री। इस बी डी को आप इधर ले आते हैं तो होता है माइनस बी डी इजकल टू, ये 1.6 उधर ही रखने देते हैं। अब बी डी आप कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा रूट थ्री माइनस वन विच इजकल टू 1.6, और बी डी इजकल टू हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन है तो यहाँ करेंगे रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय सेम नंबर रूट थ्री प्लस वन। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1.6, नीचे लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स
रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ओके आगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री स्क्वायर थ्री माइनस वन स्क्वायर वन। ये हो गया 1.6 रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय, इसमें इसको मैं थ्री में से वन गया टू, और जब डिवाइड करेंगे तो 16 कट जाएगा टू से, बचेगा 0.8 और रूट थ्री प्लस वन। दिस इज ओनली द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। तो एक साइड आपका टावर है, दूसरे साइड आपका बिल्डिंग है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, फुट ऑफ द टावर ये है। ये बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये टावर है 50 मीटर, पहले से दे रखा है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपको निकालना है, ये क्या होगा। ओके क्वेश्चन समझ में आ गया, तो चलिए करते हैं। नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले कहीं से भी शुरू कर देते हैं, 1060 शुरू करते हैं। तो लिखेंगे 1060 इजकल टू क्या, दिस अपॉन दिस मीन्स बी सी अपॉन ए बी। 1060 का वैल्यू रूट थ्री, और बी सी की वैल्यू रख दीजिए 50 डिवाइड बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी रूट थ्री इजकल टू 50, और ए बी इजकल टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाय रूट थ्री। ओके अब 1030 शुरू करते हैं, तो करते हैं 1030 इजकल टू दिस अपॉन दिस मीन्स एच अपॉन ए बी। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इजकल टू एच, तो एच ही है, उसका वैल्यू हमें निकालना है। ए बी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 50/√3, तो ये हो गया 50/√3। आगे तो 1/√3 इजकल टू हो जाएगा, एच को आप एच बाय वन लिख सकते हैं, इंटू जब करेंगे तो 50/√3 बिकम्स √3/50, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 × h, तो ये हो गया 3h इजकल टू 50 × 1 50, और h इजकल टू हो जाएगा 50/3। और 50/3 को आप कह सकते हैं 16 × 2/3 meter मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया आपका 16 × 2/3 meter। ओके अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द टू पोल्स आर इक्वल, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। टू पोल्स मतलब दो पोल है और एक दूसरे का अपोजिट में है, और ये इक्वल हाइट का है, तो इसको एच मान लेते हैं, इसको भी एच मान लेते हैं, ठीक है। आगे विच इज 80 मीटर वाइड मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 80 मीटर। ओके उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, रोड के बीच में कहीं भी पॉइंट, डजेंट मीन कि एग्जैक्टली बीच में है, ये कहीं भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप द पोल्स आर 60 और 30, तो एक 60 है और एक 30 है, तो इसको हम 60 मान लेते हैं और इसको 30 मान लेते हैं, आप इसको 30-60 भी मान लेते हैं, कैसे भी मानिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब ये आपको निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है और ये कितना है। ओके तो पहली बात, यदि ये पूरा 80 है
और हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए tan 60 से शुरू करते हैं, इसका नाम देकर a b c d और e, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ई, थोड़ा जब पेपर में करेंगे सलीके से करेंगे सब कुछ लिखना पड़ेगा कि आपने किसको पोल माना है, डिस्टेंस क्या है। तो आप लिखेंगे कि लेट द पोल्स आर ए बी एंड सी डी विच इज इक्वल इन हाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आर बी सी और उसकी हाइट है 80। ये सब आप डिटेल में लिखेंगे, उसके बाद करेंगे कौन से ट्रायंगल्स क्या उठाते हैं वो भी आप लिखते जाएंगे साथ में, ओके। तो इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60, तो हो जाएगा आपका tan 60 इक्वल टू क्या, दिस अपन दिस मीन्स ए बी अपन बी ई। टेन सिक्सटी का वैल्यू रूट थ्री इक्वल टू ए बी एच है अपन बी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एच इक्वल टू हो जाएगा ये बी ई रूट थ्री, ठीक है। अब उधर से करते हैं इन ट्रायंगल कौन सा ई सी डी, ई सी डी क्या tan 30, तो लिखेंगे tan 30 इक्वल टू हो जाएगा दिस अपन दिस मीन्स सी डी अपन ई सी। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 विच इक्वल टू सी डी का वैल्यू रख दीजिए जो है हमारे पास एच डिवाइड बाय ई सी, तो ई सी है हमारे पास 80 माइनस एक्स, इसके बाद 1/√3 इक्वल टू एच के वैल्यू यहाँ से रख दीजिए x√3 डिवाइडेड बाय 80 माइनस एक्स, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा √3 × √3 हो जाएगा आपका 3 × x 3x, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना 80 माइनस एक्स, रख दीजिए यहाँ पर 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो 3x इस x को इधर लाइए तो प्लस एक्स इक्वल टू 80 और 4x इक्वल टू हो जाएगा आपका 80x इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 4, तो x इक्वल टू आपका आ गया 20। यदि ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों मिला के 80 होना है। तो आपका बी ई आ गया 20 और ई सी आ जाएगा कितना, ई सी आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस एक्स का वैल्यू कितना 20 इज विच इजकल टू 60, ठीक है। अब एक और निकालना है आपका हाइट एच इजकल टू, तो एच इजकल टू आपके पास क्या है, तो एच इजकल टू हमारे पास है, इसको यदि क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं तो एच इजकल टू हमारे पास है x√3 यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो h इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू क्या 20, तो हो गया आपका 20√3। इसका मतलब हाइट ऑफ द पोल्स हो गया आपका 20√3 और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स मतलब कौन डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया आपका 20 और 60, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, तो आपके बिल्डिंग का हाइट दे रखा है उन्होंने 7 मीटर और ये आपका टावर है, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60, ये केबल टावर के ये केबल टावर से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 और यहीं पर एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, होता तो ये है 45 बट हम इसको लिखते हैं दोनों ही इक्वली होता है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये टावर की हाइट निकालना है, तो मान चलिए ये एच है, एच मीन्स हाइट,
तो ये आपका 7 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। यदि ये पूरा एच है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो एच में से पूरे एच में से ये 7 माइनस करते हैं, ये हो जाएगा एच माइनस 7। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ओके, तो पहले 10:45 से शुरू करते हैं, तो हो जाएगा आपका 10:45 डिग्री इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसको आप एक्स मान लीजिए, ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 45 तो हो जाएगा 7 अपॉन एक्स, तो 1 इज इक्वल टू हो गया 7 अपॉन एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 7। ओके, अब 10:60 से करते हैं, 10:60 इज इक्वल टू होगा दिस अपॉन दिस, दिस कितना एच माइनस 7, ये हो गया एच माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स। 10:60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू एच माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स का वैल्यू कितना 7। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा एच माइनस 7 इज इक्वल टू 7 √3 एच माइनस 7 इंटू दे 1 इज इक्वल टू दिस, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 √3 प्लस 7, और एच इज इक्वल टू हो जाएगा 7 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 प्लस 1। तो हाइट ऑफ द टावर आ गया आपका 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। ओके, मैं बीच बीच से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आपको ऑल टाइप्स करा दिया जाए तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। ये टावर है, कोई यहाँ पर टावर पर है, और ये आपका जमीन हो गया। तो अ मैन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एज अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज टू बी फाउंड 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक बंदा कार को देख रहा है, जो कार यहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड में इसकी तरफ आ रहा है, तो जब पहले देखता है तो उस टाइम 30 डिग्री एंगल बन रहा होता है, और 6 सेकेंड लेटर मतलब 6 सेकेंड के बाद जब देखता है तो कार यहाँ होता है, और उस टाइम एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होता है 60। तो आप यहाँ पर डिप्रेशन बना दीजिए, ये आपका हो गया 30 और ये हो गया आपका 60। ठीक है, ओके, तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा, तो मान लेते हैं y सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन किया वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, इन्होंने टाइम दे रखा है, टाइम के हिसाब से तो हम एंगल लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस बेस्ड है। ठीक है, तो इससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है आपका स्पीड इनटू टाइम, मतलब स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये आपका 6 सेकेंड टाइम है और स्पीड है एक्स, तो स्पीड इंटू टाइम मीन्स एक्स इंटू 6 करेंगे तो 6x यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए वही करेंगे, स्पीड एक्स इंटू टाइम वाई सेकेंड, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों मीटर में आ गया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 10:60 से। 10:60 इजकल टू कितना, दिस बी सी अपॉन ये आपका एक्स वाई। 10:60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन एक्स वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाए आपका बी सी इजकल टू एक्स वाई रूट थ्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब टेन थर्टी से ट्राई करते हैं, टेन थर्टी इजकल टू हो जाएगा दिस बी सी अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, मतलब सिक्स एक्स प्लस एक्स वाई, लिख दीजिए सिक्स एक्स प्लस एक्स वाई। टेन थर्टी के वैल्यू वन बाय रूट थ्री विच इजकल टू बी सी के वैल्यू यहाँ से उठा कर रखते हैं एक्स वाई रूट थ्री, एक्स वाई रूट थ्री डिवाइडेड बाई, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सिक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स और एक्स कैंसल आउट, ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका यहाँ से देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है, थ्री इंटू वाई थ्री वाई, तो हो जाएगा थ्री वाई इजकल टू सिक्स प्लस वाई, सिक्स प्लस वाई, वाई को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा थ्री वाई माइनस वाई इजकल टू सिक्स, टू वाई इजकल टू सिक्स, और फिर यदि टू वाई इजकल टू सिक्स आया है तो वाई इजकल टू कितना हो जाएगा सिक्स बाई टू विच इजकल टू थ्री सेकेंड, मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने में कार को थ्री सेकेंड्स लगेगा। ओके, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो कहने का मतलब है कि एक टावर है और ये बेस है, दो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक आप 4 लगा लीजिए और यहाँ से यहाँ तक आप लगा लीजिए 9 मीटर। ओके, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, और जो एंगल बन रहा है ये और ये दोनों कम्प्लीमेंट्री है, तो प्रूव करना है ये 6 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द टावर। तो पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। यदि एंगल कम्प्लीमेंट्री है तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि पेयर ऑफ एंगल एड अप टू 90, ऐसे दो एंगल जिसको मिला के 90 होता है, तो यदि आप इसको थीटा मान लेते हैं तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि बी सी इजकल टू 6, मतलब हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो कैसे शुरू करते हैं, पहले 10 से शुरू करते हैं, तो 10 थीटा इजकल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ये 4, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा लेते हैं यहाँ से 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इजकल टू हाइट दिस अपॉन दिस मीन्स बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, एक साइड हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू, दूसरे साइड हो जाएगा दिस इंटू दिस मीन्स बी सी बाई 4 इंटू बी सी अपॉन 9। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू होता है 1, तो 1 इजकल टू हो गया आपका बी सी स्क्वायर अपॉन 9 फोर द 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा बी सी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा बी सी स्क्वायर इजकल टू 36 इंटू 1 36, और बी सी इजकल टू हो जाएगा 36 रूट और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 6 मीटर। ओके, यही प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर होता है। ओके,